हेलो एवरीवन, मैं आलोक। आज आप हम लोग 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। उसका नाम है त्रिकोणमिति। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सर आप त्रिकोणमिति में बनाइए, तो आज हमने सोचा कि आज त्रिकोणमिति का आप लोग के लिए बना देता हूँ। हाँ, हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है त्रिकोणमिति, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का चैप्टर है जिसके कारण हम आज बना रहे हैं। आप लोग इसको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, उसके बाद यूजेज के बारे में आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति का यूज क्या है, उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम के विषय में बताएंगे, उसके बाद त्रिकोणमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में बताएंगे। इन सारे जो हमने बताया, इसी से 8.1 एक्सरसाइज आपका पूरा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो देखिए आप, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण मिति, तो देखिएगा ट्राई, ट्राई मतलब थ्री होता है, और गोन मतलब साइड्स, और मेट्रोन मतलब मेजर, यानी थ्री साइड्स मेजर, तीन साइड्स का मेजरमेंट्स, तीन भुजाओं की माप एक तरह से। और अगर ये वाला देखिएगा त्रिकोणमिति, तो ये त्रि मतलब थ्री, और कोण मतलब एंगल्स, और मिति मतलब मेजर, यानी थ्री एंगल्स का मेजर, तीन कोणों की माप। तो ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? त्रिकोणमिति का अर्थ यही हुआ कि इसमें हम लोग रिलेशन का स्टडी करते हैं। किसमें किसमें? तीन एंगल्स और तीन साइड्स के बीच में रिलेशन का हम लोग स्टडी करते हैं। और सो भी कैसा ट्रेंगल में? केवल राइट एंगल ट्रेंगल, यानी समकोण त्रिभुज पे ही हम लोग बात करेंगे 10th क्लास में। अगर कोई समकोण त्रिभुज नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो आप उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा राइट एंगल। तो सिंपली हम लिख दिए हैं, त्रिकोणमिति इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। तो हम लोग स्टडी करेंगे तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बारे में। तो आपका हो गया। और कैसा ट्रेंगल हमने कहा? हमने कहा कि राइट एंगल ट्रेंगल। जब भी हमने राइट एंगल ट्रेंगल कहा, तो इस तरह का फिगर हम लोग के याद आ जाता है, ये वाला 90। मान लीजिए ये ट्रेंगल ए बी सी, ये कितना डिग्री हो गया? 90। जब भी हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें एक एंगल 90 होते हैं, और दो ठो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। तो हम लोग त्रिकोणमिति में सिर्फ एक्यूट एंगल में काम करते हैं। ये जो एक्यूट एंगल है, उसी के सापेक्ष काम करेंगे, उसी के रेफरेंस में काम करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें सबसे पहले हम लोग याद आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हमने देखा है। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोणमिति में एक होता है एच, तो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल्स है, उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको कर्ण, कर्ण हो गया। और जो एक होता है पी और एक एच, पी और एक बी, पी आर बी, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये हो गया लंब, और बीम बेस आधार, इसको बोलते हैं आधार। तो हम लोग को कोई भी ट्रेंगल में, जो राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा, उसमें तीन ही चीज़ रहेंगे, सबसे पहले एच और ये पी और बी, कर्ण लंब और आधार। ये कर्ण लंब आधार हमेशा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें दो साइड्स, दो भुजाएं दी रहेगी। आप पाइथागोरस थ्योरम के मदद से तीसरी भुजा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे शब्दों में, हिंदी में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग ने 8
9 ये सब में स्टडी कर चुके हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लव स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो एच है ये फिक्स्ड है, क्या है ये फिक्स्ड है, ये 90 डिग्री का जो सापेक्ष में जो भुजा होगी साइड्स होगी जो रेफरेंस में 90 डिग्री का रेफरेंस में जो साइड्स होंगे उसी को एच बोलते हैं। लेकिन हमारा ये जो पी आर बी है ये ट्विस्ट होता है। अगर हमने ये एंगल बोल दिया, अगर सी बोल दिया, तो उसके लिए उसका सामने ये हो गया, पी के सामने साइड्स कौन हो गया ये, तो साइड्स उसके लिए ये पी का काम करेगा लंब का। लेकिन वही अगर हमने एंगल ए के रेफरेंस में बात की, सापेक्ष में बात की, तो उसके लिए लंब कौन हो जाएगा ये वाला बी सी। तो हम लोग को सबसे पहले कौन सा एंगल दे दिया है उसको हम लोग को एक बार झांक करके देख लेना है। उसके बाद हम लोग को तय करना है कि पी और बी कौन है। पी और बी को समझने का एक ही तरीका है, सबसे पहले हम लोग एंगल्स को अच्छी तरह देख लेंगे, कौन सा एंगल में प्रश्न को दिया है, कौन सा एंगल में प्रश्न को दिया है, और उस प्रश्न के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि पी कौन है और बी कौन है। तो पी जब भी दिया रहेगा, मान लीजिए कि ये एंगल दे दिया, एंगल सी में दे दिया, तो एंगल सी का सामने रेफरेंस में आपका ये पी हो जाएगा। लेकिन एंगल ए दे दिया, उसके सामने रेफरेंस में एंगल बी हो जाएगा। तो आपको एंगल देखने का इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, आप इसको अच्छा तरह समझ लीजिए कि कभी भी अगर प्रश्न रहे तो उसमें आप पी आर बी को आप ध्यान से देखिएगा। और पी आर बी को पहचान का हम तरीका बता दिए, जो भी एंगल्स आपका प्रश्न में रहेगा उसके जो सामने वाली साइड्स रहेगी, उसके जो रिफरेंस में जो साइड्स रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पी। एंगल सी के सापेक्ष में ये साइड्स है वो पी हो गया, एंगल ए के साइड सापेक्ष में ये साइड्स है, और फिर जो तीसरा बच गया वो बी बी हो जाता है। इसी में हम ना बहुत सारे फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, और सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति का क्या यूज़ है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। त्रिकोणमिति अगर हम लोग जानेंगे तो किसी भी बिल्डिंग का हाइट को हम निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग किसी भी नदी का जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसको निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग कुतुब मीनार चल गए, कुतुब मीनार को हमने देखा, अगर हमारे मन में जिज्ञासा हो गई कि हम कुतुब मीनार की ऊँचाई कितनी है, तो हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से ही निकाल सकते हैं। तो यूज में यही हुआ कि हम लोग हाइट, आप बिल्डिंग से कितनी दूरी पर हैं, ये सारे चीज़ को आप आसानी से त्रिकोणमिति के द्वारा निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितिकल रेशियो। रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड। इसमें डिवाइड किसको किसको करेंगे, इसमें जो साइड्स है, जो भुजाएं हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसमें सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे वही जो साइड्स है, जो तो इसमें हमने लिख दिया है त्रिकोणमितिकल रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। जो त्रिकोणमितिकल रेशियो रहेगा वो एक्यूट एंगल में होगा, वो जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जो भी आएगा हम लोग के पास वो न्यून कोण में ही होता है। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, हमने कहा कि वो एक भाग है, डिवाइड है, किसका किसका बीच में, दोनों साइड्स का। तो द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल, रेशियो मतलब वही डिवाइड, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल आर कॉल्ड त्रिकोणमितिकल रेशियो। हम लोग अगर साइड सबको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक अनुपात मिलता है, रेशियो मिलता है, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितिकल रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड टी रेशियो। उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, टी रेशियोज। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा रेशियोज हो सकता है, तो हम इस फिगर के सहायता से आप कर सकते हैं। ये मान लीजिए एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो हम लोग मान लीजिए एच को ले लिए सबसे पहले, तो एच के साथ हम किसका किसका कौन कौन साइड्स को डिवाइड कर सकते हैं, पी हो गया, फिर एच को किसके साथ कर सकते हैं, बी के साथ कर सकते हैं। अब जैसे हमने पी ले लिया तो उसके साथ किसको कर सकते हैं, एच को कर सकते हैं, फिर हमने अगर पी ले लिया तो उसके साथ बी को कर सकते हैं, अब क्या बचा, बी बचा, बी बच गया तो उसके साथ एच को कर सकते हैं, बी को फिर पी के साथ करते हैं। तो हम लोग के पास सिर्फ 6 ही मिलते हैं, 6 ही रेशियो मिलते हैं, 6 से ज़्यादा रेशियो हमारे पास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितिकल रेशियो सिर्फ और सिर्फ कितने रहते हैं, सिर्फ 6 रहते हैं, और उसको विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, साइन,
थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे चीज़ हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उस एक्यूट एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन को बताता है, और हमने कहा कि वो छः है, संख्या में छः है। तो सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस प्रकार है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और इनके वैल्यूज़ है साइन पी बाई एच लंबाई कर्ण, कोस बी बाई एच आधार बटा कर्ण, टेन पी बाई बी लंबाई आधार, कोट बी बाई पी आधार बटा लंब, सेक एच बाई बी कर्ण बाय आधार, कोसेक एच बाई पी कर्ण बाय लंब। इसमें आप अगर गौर से देखिएगा तो साइन और कोसेक एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है। अगर साइन आप जानते हैं तो कोसेक आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये पी बाई एच है तो ये एच बाई पी है। उसी प्रकार कोस किसके विपरीत है, सेक, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्स है। तो हम अगर तीन को याद कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग छः याद हो जाता है। तो और सबसे बड़ा बात है, इसको लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है कुछ किसी को, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, आप उसको फॉलोअप कीजिएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं लाल बट्टा कक्का, लाल बाय कक्का, यहाँ पर साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और इधर में कोसेक। तो इस प्रकार साइन लंबाई कर्ण, साइन लंबाई कर्ण, इधर से ये हो गया और इधर से ये हो गया। कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंबाई आधार, और उसी तरह कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बाय आधार, कोसेक कर्ण बाय लंब। तो आसानी से आप लाल बाय कक्का से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो छः का आप आराम से उसकी वैल्यूज़ को आप बता सकते हैं। या फिर आप अगर दूसरा पी एच के अनुसार करना चाहते हैं तो उसका सूत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी को तोल। तो इस प्रकार हो गया, ये हमारा साइन हो गया, साइन पी बाय एच, कोस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, उसी प्रकार कोट बी अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कोसेक एच अपॉन पी। तो इस प्रकार हम लोग छः त्रिकोणमितीय रेशियो को ट्रिक की सहायता से भी जान सकते हैं। सिर्फ याद रखना लाल बट्टा कक्का और या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसके माध्यम से हम लोग ये छः त्रिकोणमितीय रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग 8.1 की ओर एक्सरसाइज की ओर आएंगे। तो हम उसके लिए कुछ कुछ बताए थे, जिस प्रकार ये छः हो तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूज़ होगा ही, और हमने बताया था अगर दो साइड्स आपको मालूम है, दो साइड्स जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कर रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू पी, ये बी, ये एच, अगर कभी भी दो साइड्स को दिया रहे तो हम तीसरी साइड्स को निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला को। उसका फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो साइड्स दिया रहे तो तीसरा साइड्स को निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पहला ये हो गया। और दूसरा हमने ये कहा कि जब भी हम लोग को पूछा जाए तो 90 डिग्री का सामने हाइपोटेनियस होता है एच, लेकिन ये जो पी और बी है इसमें हमेशा बदलाव आता है, तो डिपेंड करता है कौन सा एक्यूट एंगल आपको दिया है। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन में ये वाला एक्यूट एंगल दिया है तो इसके फ्रंट साइड्स पी हो गया, ये पी का काम करेगा, और उसके जो एडजेसेंट साइड है वो बी का काम करेगा। मतलब इसके जो ये कोण है, ये कोण है मान लीजिए, तो प्रश्न जो दिया हुआ सी के रेस्पेक्ट में दिया है, तो हम सी के सापेक्ष भुजा को देखेंगे,
या सी एंगल सी के रेफरेंस साइड्स को देखेंगे तो वो पी होगा, और उसका जो एसेंट जो आसन सामने है जो साइड्स उसको भुजा को उसको हम बी बोलेंगे। उसी प्रकार अगर हमको ये एंगल दे दे तो इसके लिए अब ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो हम लोग को एच में उतना परेशानी नहीं होगा। वो 90 का ठीक सामने जो होता है वो एच होता है, लेकिन पी आर बी डिपेंड करेगा कौन सा एक्यूट एंगल आपको दिया है। जो एक्यूट एंगल ये है तो उसका सामने जो है वो पी होगा, और उसका जो साम मतलब और जो तीसरा जो बच गया है वो साइड्स भी यहाँ पे रहेगा। उसी तरह अगर ये दिया तो इसके जो सम्मुख भुजा हुआ ये पी का काम करेगा। इस प्रकार हम लोग को तीन चीज़ को याद रखना है प्रश्न बनाते समय। जो भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा दो साइड्स दिया हुआ है। अगर दो साइड्स दिया हुआ है तीसरा साइड्स निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और फिर ये जो ट्रेंगल में जो कौन सा एंगल दिया है, किस एंगल के रेफरेंस में हम लोग को काम करना है, एक्सरसाइज 8.1 उसमें प्रश्न पहला क्वेश्चन आपका त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, बोला कि कोई भी ट्रेंगल है जिसमें एंगल भी 90 है, ए बी इक्वल टू 24 cm और बी सी इक्वल टू 7 cm, तो निम्नांकित का मान ज्ञात करें। और इंग्लिश में इन ट्रेंगल ए बी सी इट इज़ गिवन डेट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी 24 cm, बी सी 7 cm। तो हम लोग ये तो त्रिकोणमिति बना रहे हैं तो हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रेंगल में जो 90 किस में है, एंगल बी में, तो हम इसको आराम से बनाते हैं। ये बना दिए, ये बी में क्या है 90, यहाँ हम लिख दिए ए बी सी। तो यहाँ से यहाँ तक हो त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90, इन ट्रेंगल ए बी सी इट इज़ गिवन एट बी। अब ए बी इक्वल टू 24 cm दिया हुआ है, ये कितना दिया है 24, और बी सी 7 cm, इतना दे दिया है। तो जब दो साइड्स दिया रहे तो तीसरा साइड्स आसानी से निकाला जा सकता है, वो क्या चीज़ से निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ए बी सी इन ट्रेंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इन लोग का वैल्यू आपको पुटअप करते हैं, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 7 स्क्वायर, 24 को करेंगे दो बार तो 576, ये वाला 49, अगर हम इसको जोड़ते हैं प्लस सम करते हैं तो कितना हो जाता है 625, यानी ए सी स्क्वायर कितना आ गया 625 आ गया। तो अब ये स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए सी कितना आ गया 25 cm, हम लोग सिर्फ प्लस साइन को ही लेंगे क्योंकि ये लंबाई से संबंधित है, ये लेंथ से संबंधित है। हम लोग जानते हैं जब भी रूट को हम लोग उसका वैल्यूज को देते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लोग प्लस का यूज करेंगे क्योंकि ये लेंथ से संबंधित रखता है, इसलिए हम लोग प्लस लिखें, ये 25 cm। ठीक है, अब हम लोग पहला सवाल को बनाएंगे, क्या दिया हुआ है साइन ए, साइन ए हम जब थ्योरी हो रही थी तो हमने बताया था कि हम एंगल को छाँक लेंगे, देख लेंगे कौन सा एंगल की कौन सा एक्यूट एंगल की बात हो रही है, एंगल ए, ये एंगल इसका सामने जो भी एंगल है उसके सामने का साइड्स क्या हो जाएंगे पी, यानी ये पी का काम करेगा और ये बी का, और एच हमने बोला था फिक्स रहेगा। तो साइन ए क्या होता है, पी बाई एच या लंबाई कर्ण, तो इसका सामने ये लंब होगा बी सी, बी सी बाय
लंबाई कर्ण एसी, तो कितना हो गया बीसी, कितना आया 7/25। दूसरा क्या है, फिर क्या लाना है, कोस ए, कोस ए क्या होता है, कोस ए आधार बटा कर्ण या बी बाय एच। तो इसके लिए लंब ये था और आधार ये था बेस, तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, ए बी का वैल्यूज क्या है 24/25। तो साइन ए और कोस ए निकल गया। अब दूसरा क्या है, साइन सी, साइन सी, अब ये एंगल का बात हो रहा, तो ये एंगल का रेफरेंस साइड्स कौन हो गया, ये, तो ये पी का काम करेगा, ए बी बाई ए सी, ये पी क्या है ए बी, और ये वाला ए सी, ए बी क्या है 24 और ये वाला 25। अब क्या मांग रहा, कोस सी, कोस सी, तो इसका बेस कौन होगा, ये बी सी, ये पी हुआ तो ये बी होगा, तो बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, बी सी क्या है 7/25। अब ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ है, आकृति में 10P माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें, फाइंड इन फिगर, फाइंड 10P माइनस कोट आर, और ये फिगर दे दिया है, और ये राइट एंगल ट्रेंगल है और पी क्यू आर राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें एच दिया हुआ है और ये पी दिया हुआ है। जब भी दो साइड्स दिया रहता है तो तीसरा साइड्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इन राइट ट्रेंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रेंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी लोग का वैल्यू पुटअप करते हैं, हम लोग को क्यू आर निकालना है, तो ये क्यू आर को यहीं छोड़ देते हैं, इस जगह लिख दिए, और पी आर स्क्वायर ये प्लस है उस तरफ गया तो माइनस हो गया, इस प्रकार हम लोग इसको हम लोग यहीं छोड़ दिए, इसको वहाँ ले गए तो ये पी क्यू माइनस में हो गया। अभी लोग का वैल्यू को हम लोग पुटअप करते हैं, ये कितना हो गया 13 स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब दोनों को अगर माइनस करते हैं आप तो कितना आता है 25 क्यू आर स्क्वायर, अब क्यू आर और ये स्क्वायर है उधर गया तो अंडर रूट 25, अब क्यू आर 5 कितना आ गया 5, हमने तभी भी कहा हम लोग प्लस साइन ही लेंगे जो कि ये लेंथ का काम करता है। अब हम लोग 10P निकालते हैं, 10P हमने जब भी कहा था कि जब एंगल की ओर झांक लेना है तो 10P, तो इसके सामने का साइड्स ये लंब यानी P हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो 10P लंब बाय आधार P बाय B, तो क्यू आर बाय पी क्यू इसका वैल्यू हो गया। अब क्यू आर का वैल्यू हम लोग कितना निकालें 5, अब ये 5 पी क्यू कितना है 12, और क्या निकालना है कोट आर, कोट आर इस जगह ये वैल्यू, तो इसका सामने ये पी और ये बी, एंगल आर का रेफरेंस में जो साइड है वो पी और ये, तो कोट क्या होता है बी बाय पी, बी बाय पी, तो इसके लिए बी ये हो गया क्यू आर और पी पी क्यू कितना हो गया क्यू आर 5/12। अब नाउ किस चीज़ का वैल्यू निकालना है 10P माइनस कोट आर, तो कितना आ जाएगा 5 बाय
12, 5/12। अभी दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसका अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारा आंसर हो गया।